नमस्कार सर। नमस्कार, आपका हार्दिक अभिनंदन अपने यूट्यूब चैनल देसी फार्मर के अंदर। आपका भी प्रकृति नर्सर में तहे दिल से स्वागत है आपका। जो ये मेन रोड पे मैं देख रहा हूँ, हाँ। तो ये कौन सी रोड है ये आपका नर्सरी फार्म? ये आनंद बड़ौदा वाला रोड है जी, जो जहाँ से उमेटा ब्रिज लगता है जी। ये हमारी नर्सरी का नाम है प्रकृति नर्सरी, आप इसको गूगल पे भी फॉलो कर सकते हैं। ये गूगल पे भी हमारा नर्सरी लगा हुआ है। हमारी नर्सरी का नाम है प्रकृति नर्सरी, हठीपुरा गांव है जिसका तालुका अंकलाव पड़ता है और डिस्ट्रिक्ट इसका आनंद लगता है। आपने जैसे आपने बताया प्रकृति नर्सरी फार्म, हाँ। तो आपने नाम प्रकृति, हाँ। प्रकृति तो पृथ्वी के रिलेटेड इसका प्राइवेसी हो गया, तो पृथ्वी और प्रकृति का मतलब आपने ऐसा क्यों रखा, आपके मन में ऐसा क्या ख्याल आता है, इसके बारे में थोड़ी जानकारी दीजिए। सभी को पता होता है कि भैया ये प्रकृति नर्सरी, जो प्रकृति मतलब ये जो क्लाइमेट है, हाँ। वो क्लाइमेट को बनाए रखने के लिए हम लोग ज़्यादातर काम कर रहे हैं, राइट। उसी के हिसाब से हमने, वैसे भी हमारा प्रोफेशन अलग तरीके से, लेकिन इसको नेचर को बचाने के लिए हम लोगों ने ये बिजनेस डाले हुए हैं कि जिसे क्लाइमेट बना रहे, पृथ्वी का संतुलन अच्छे से बना रहे, पॉल्यूशन कम हो, इसी हिसाब से उसी कॉन्सेप्ट को लेके हुए हम लोगों ने ये प्रकृति नर्सरी लगाया। कितना साल हो गया इसको लगाए? ये हमारे नर्सरी को अभी 4 साल हुआ है। 4 साल हुआ। हम प्रोफेशनली बता रहे हैं कि ये जो बिजनेस है हमारा जी सर, तो ये नर्सरी जो है वो उसने हमको पौधों को और अच्छे तरीके से कैसे ग्रो किया जाता है। हमारी नर्सरी के अंदर आपको बताएं, 2 तरीके के पौधे होते हैं, एक इंडोर वाले होते हैं, एक आउटडोर वाले होते हैं। जो इंडोर वाले होते हैं उसको शेड में रखा जाता है, जो आउटडोर वाले पौधे हैं उनको हम लोग आउटडोर में मतलब खुले आसमान के नीचे रखा जाता है, चाहे उस पर कितना भी धूप क्यों ना पड़ता हो उसी में वो प्लांट अच्छे से ग्रो करता है। तो ये आपको इस प्रोफेशन में आने का कहाँ से इंटरेस्ट लगा? आपकी रुचि थी, आपने एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट में कुछ किया है? हमारा रुचि ऐसा ही था, हमको ये पौधे अच्छे लगते हैं जी। उसी हिसाब से घर के आगे छोटा पहले गार्डन बनवा दिया हमने, लेकिन उसमें क्या हुआ, कितना अच्छे से हम उसको संभाल नहीं पाए, जगह काफ़ी कम था और ज़्यादातर पब्लिक के अंदर उसको रखना पड़ता था। तो कभी कभी ऐसा होता कि कोई फंक्शन के लिए अगर हम लोग निकल गए तो क्या होता है कि वापस जब आते हैं तो सब लोग पूरा तोड़ फोड़ के उलट पुलट करके बच्चे लोग रख देते। अब बच्चे हैं, उसको डांट भी तो नहीं सकते, कितना भी आप डांट लो फिर से वो तोड़ना ही। तो इस तरह से कि हमारा घर का जो गार्डन है उसको अच्छे से हम रख नहीं पाए, तो इसीलिए हमने एक बड़ा सा ये खेत रेंट पे रखा हुआ है, इसमें हमने नर्सरी डाला। अपने आगे चलते हैं, हाँ। तो सर जैसे यहाँ पे अलग अलग टाइप के पौधे हैं, आप क्या रिटेल का काम करते हैं कि आप फार्मर्स के लिए भी यहाँ पे बीज जो सीड्स ला के पौधा बनाया उसको सेल आउट करते हैं? आपका बिजनेस मॉड्यूल किस टाइप का बिजनेस मॉड्यूल है उसके बारे में आप बताइए थोड़ा सा। देखिए ज़्यादातर मेरा बिजनेस का मॉड्यूल जो है, हाँ। वो घर के आगे किस तरह से आप प्लांट रख सकते हो, कौन से वाले रख सकते हो, दूसरा क्या आप बालकनी में कौन सा वाला रख सकते हो। ज़्यादातर जो हमने यहाँ पे पौधे रखे हुए हैं वो गार्डनिंग के लिए ही रखे हुए हैं, हाँ। किसानों के लिए भी रखा हुआ है, जैसे समझ लीजिए आप आम के पौधे हैं, वो अमरूद के पौधे हैं, धालम के पौधे हैं, नींबू के पौधे हैं, ऐसे किसानों के भी लिए रखे, लेकिन ज़्यादातर जो पौधे रखे हुए वो घर के आगे गार्डनिंग के लिए, बालकनी के लिए, वर्टिकल गार्डनिंग के लिए, फार्म हाउस के लिए, उसी के लिए हमारे पास ज़्यादा पौधे हैं। अब मैं आपसे ज़्यादा आपका समय ना लेते हुए आपसे जानकारी लेना चाहूँगा कि आपके किस टाइप के पौधे हैं, आप जो जानकारी देना चाहोगे या सबसे अच्छे पौधे कौन से हैं घर की सजावट के लिए, कौन से लोग क्या ले जाते हैं प्रेफर करते हैं आपके कस्टमर, उनके बारे में थोड़ा डिटेल में आप मेरे को जानकारी देने की कोशिश कीजिए। हाँ, ज़्यादातर जो है जो लोग घर के अंदर रखना चाहते हैं उनके लिए हम इंडोर वाले प्लांट्स है जो रखते हैं, हाँ। वो अभी आगे जाके आपको दिखाएंगे जी वो, और जिनके पास आगे घर के आगे काफ़ी खुले में जगह है उनके लिए आउटडोर वाला चीज़ है, उनमें भी काफ़ी सारी ऐसे इनोवेटिव चीज़ है जिसको ज़्यादा बड़ी ना हो और अच्छा दिखती भी है। जैसे आप ये देख सकते हैं ये पिरामिड दिख रहा है क्या? हाँ, ये पिरामिड है, हाँ। बराबर, ये माल्पेजिया वेल का बनाया गया है, राइट राइट। इसको बनाने में तकरीबन हमको 2.5 साल निकल गया है, 2.5 साल में ये पूरा कंप्लीट हो गया है। इसके अलावा भी हमने आगे दिखाते हैं आपको कि देखिए ये कछुआ बनाए हुए हैं जिसे आप देख सकते हो। बिल्कुल सर, मैं देख पा रहा हूँ बिल्कुल। और ये जो हार्ट शेप बनाया हुआ है, ये पृथ्वी का गोला बनाया हुआ है, और ये साथ में जो शिवलिंग पूरा बनाया गया है जिसे आप देख सकते हो आराम से। बिल्कुल सर। उसके अलावा भी आगे हम दिखा, शिवलिंग बनाया गया है, ये आगे भी है हमारे पास, ये हार्ट शेप पूरा बनाया है।
समझ रहा हूँ, देख रहा हूँ। हाँ, हार्ट शेप बनाया है। इसके अलावा भी ये आप देख सकते हैं, इसे डक बनाया हुआ है। ये रहा सर। हाँ, ये पूरा डक बनाया, मतलब ऐसा वाला इनोवेटिव वाला भी चीज़ बनता है हमारे यहाँ पर। ये कैसे बनता है, इसकी प्रक्रिया क्या होती है? इसको क्या होता है, ये उसका पूरा केज आता है, समझ लीजिए। ये हार्ट शेप का केज ज़्यादातर हम लोग खुद ही बनाते हैं क्या, मतलब आप समझ लीजिए कि आपको कौन सा वाला चीज़ बनाना है। ये आइडिया आपका हमारे दिमाग से ही आता है कि आपको क्या बनाना है, मतलब पिरामिड बना तो उसी हिसाब के जो जो केबल आता है ऐसा, वो केबल से इसको बांध के पूरा हम उसका पहले केज बनाते हैं, उसको केज को पोर्ट के अंदर डालते हैं, और मालफेजिया करके एक बेल आता है, वो बेल आप लगा दो, अपने आप ही बढ़ता जाएगा। जैसे जैसे ये टहनियाँ बाहर निकलती है आप उसको कट करके सेव करते जाइएगा, आराम से बन सकता है। हाँ, इसका प्रॉपर आपको सॉइल मटेरियल बनाना पड़ेगा, मतलब समझ लीजिए कि जैसे पूरा अकेला सॉइल में ये होने वाला नहीं है, इसको अंदर आपको कोकोपीट भी डालना पड़ेगा, कंपोस्ट भी डालना पड़ेगा, सूखा हुआ गोबर भी डालना पड़ेगा, तब जाके ये पौधा अच्छे से ग्रो कर पाता है। तो इसको क्या कॉस्ट रहेगी, ऑन एवरेज को लेना चाहेगा तो? समझ लीजिए कि ये जैसे ये हार्ट शेप है, हाँ, ये 4,700 रुपया है, 4,700 रुपीज़ इसका प्राइस रखा गया है। इसको बनाने में तकरीबन हमारा 3 साल निकला है। 3 साल? 3 साल में ये कंप्लीट हो पाया है। 3 साल तो काफ़ी लंबा वक्त हो गया है। हाँ, काफ़ी मेहनत भी लगी होगी, काफ़ी 3 साल अभी हमने बताया कि 3 साल के अंदर ये इतना पौधा बनाने में इतना हमको मेहनत लगा है, तब जाके ऐसा कोई भी पौधा ले लीजिए आप इतना जल्दी, क्योंकि ये जिंदा चीज़ है, अपने आप तो बढ़ नहीं जाएगी, एक रात में तो बढ़ने वाला है नहीं ये। इसीलिए क्या होता है कि इसके लिए आपको वेटिंग भी तो करना पड़ेगा, अच्छे से इसका केयर भी करना पड़ेगा, तब जाके इसको आप बना पाते हो। नहीं बन पाएगा ये है ही नहीं, इसको बना ही पाएंगे, लेकिन आपके अंदर उसका पैशन जुनून होना चाहिए। जैसे आपके अंदर मैं देख रहा हूँ एक युवा की तरह आपके अंदर जुनून है, जो दर्शक सामने देख रहे हैं वो आपको देख भी रहे हैं, आपकी जो इमोशंस है उनको वो समझ रहे हैं, कैसे आप वार्तालाप कर रहे हो, कितने इच्छुक हो आप जानकारी शेयर करने में। सर आगे चलते हैं, और क्या प्रोडक्ट के बारे में आप जानकारी? और दूसरा चीज़ है ये, जैसे बताएं ये बोगनवेलिया, ये क्या काम आता है? ये इस पे 12 मासी फूल रहता है जी, और इसमें तकरीबन 4 कलर आता है, एक में केसरी कलर आता है, पीला वाला भी आता है, वाइट वाला भी आता है, और पिंक वाला भी आता है। इसमें अलग अलग तरह के होते हैं। हम लोग ज़्यादातर क्या करते हैं कि समझ लीजिए कि ये बोगनवेलिया पिंक कलर वाला है, तो इसकी जो टहनियाँ होती है इस पर हम लोग ग्राफ्टिंग करके अलग अलग कलर वाली बोगनवेलिया का ग्राफ्टिंग करते हैं, मतलब एक के ऊपर ही आपको 3-4 कलर के फूल प्रोवाइड कर सकते हैं। राइट, हाँ, आप लोग भी बना सकते हो, एक इजी फॉर्मूला है। हाँ, लेकिन इसके लिए थोड़ा मेहनत लगता है, और कभी कभी तो क्या होता है कि जैसे आप कलम लगवा दिए तो ऐसा तो होता नहीं कि हर बार आप सक्सेस ही हो जाओ, कितनी बार लगाना पड़ता है, कितनी बार फेल भी हो जाते हैं, लेकिन फिर भी आपको वही प्रोसेस पे जाना पड़ेगा, तब जाके आपको अच्छा रिजल्ट देता है। और भी है, देखिए ये भी बोगनवेलिया है, ये भी कलकत्ता वर्जन वाला ये बोगनवेलिया है। देखिए इसका कलर इतना फास्ट होता है, इतना फास्ट रानी कलर लगता है इसका, बहुत बढ़िया होता है ये, और 12 मास फूल रहता है, ज़्यादा उसका मेंटेनेंस करना नहीं पड़ता। हाँ, उसको हर महीने कटिंग करके उसका सेव देना पड़ता है। ये भी सेम है। और ये देखिए, ये बोगनवेलिया के अंदर 3 कलर डाले हुए हैं, आप देख सकते हो उसको, पीला वाला भी कलर है, वाइट वे है, पिंक भी है। राइट, एक ही गमले के अंदर डाल के इसको बनाया गया है, एकदम कलर वाला है ये। राइट सर, तो इनका ऑन एवरेज कॉस्टिंग की बात करें, क्या कॉस्ट? ये समझ लीजिए कि ऐसा बड़ा वाला जो पौधा एकदम रेडीमेड सा है, वो तकरीबन 4,500 की कीमत से शुरू होता है। 4,500। फिर कैसा पौधा, कितना उम्र वाला पौधा है, उसके हिसाब से चलता है। उसके अलावा भी हमारे पास जैस्मिन का काफ़ी सारा वराइटीज़ है, हाँ, जिसमें 7 कलर्स है, जिसे आप देख सकते हो। ये क्या काम आता है, ये सजावट के लिए? हाँ, फूल खूब देता है ये। हाँ, इसमें 7 कलर्स होते हैं। 7 कलर्स? हाँ, 7 कलर्स के। हाँ, आपको अलग अलग कलर के, आपको 7 कलर के इसको अंदर जैस्मिन कलर का पता नाम है आपको, कौन से 7 कलर होते हैं? मतलब समझ लीजिए, पीला है, वाइट है, पिंक है, केसरी है, ब्राउन भी है, मतलब पूरा मिला के टोटल 7 कलर्स इसके अंदर है। ये भी बोगनवेलिया है, आप देख सकते हो इसको। हाँ, एक के अंदर 3-4 कलर के बनाए हुए हैं, ये पूरा अभी रेडी हो रहा है, ये वाइट वाला है, ये आप देख सकते हैं इसको, ये पिंक वाला है। राइट, ये हम लोग ज़्यादातर इसको अच्छे से बनाने का कोशिश करते हैं। तो सर ये आप कहाँ से, रिटेल से, बाहर से आउटसोर्स करते हो इसको? हाँ, यहाँ रखते हो इसके? ज़्यादातर जो पौधे होते हैं ना, ये हम लोग पुणे से यहाँ पे परचेज करके लाते हैं। पुणे से लाते हो? कितने महीने के लेके आते हो वहाँ से आप? क्या
कितने महीने के लेके आते हो वहाँ के पौधे नॉर्मली? 20-25 दिन के लिए होते हैं, 20-25 दिन में ख़त्म हो जाता है, फिर से नया ले आना पड़ता है। लेकिन कुछ कुछ पौधे जो है छोटे आते हैं, छोटे बैग में लाते हैं, यहाँ लाके बड़े बैग में डाल के हम लोग बड़ा बनवाते हैं उसको। अच्छा सर, ये जैसे समझ लीजिए मार्बल जासूद है। पौधा छोटा ही होता है लेकिन क्या होता है, इस पर फूल इतना खूब लगता है, काफ़ी सारा फूल लगता है इसी के ऊपर, और बारहमासी रहता है ज़्यादातर फूल। ये कृष्ण बेल है, कृष्ण बेल, हाँ, इसमें भी दो कलर आता है, ये पर्पल वाला होता है, दूसरा एक कलर इसमें आता है, ये रेड वाला कलर है, रेड कलर भी होता है इसी में। ये ग्राफ्ट वाला टिकोमा है, मतलब ये पौधा ज़्यादा बड़ा नहीं होता है, लेकिन गमले के अंदर आपको काफ़ी सारा फूल वाला चीज़ चाहिए तो इस तरह से आप ग्राफ्टेड वाला टिकोमा रख सकते हैं। इसमें भी चार कलर आते हैं, मतलब समझ लीजिए केसरी कलर आता है, पीला है, वाइट है, पिंक है, चार कलर इसमें भी आपको मिल सकता है आराम। कॉस्टिंग के भी साथ में साथ बताते रहिए। ये इसका कॉस्टिंग समझ लीजिए, अगर ये बड़ा वाला 8-10 का बैग है तो 100 रुपये के करीब में इसका कीमत पड़ता है, 100 रुपये के आसपास। हाँ, इसी के अलावा हमारे पास ये रात रानी है, जहाँ जो शाम के वक्त इसका खूब स्मेल देता है, इतना फ्लावर वाला होता है, इतना बढ़िया फूल देता है और खुशबू भी इतना बढ़िया से देता है। तो ये क्या नाम बताया इसका? रात रानी बोला। रात रानी, तो रात में मतलब खुशबू देने वाला? हाँ, ये यही चीज़ है कि जो समझ लीजिए शाम के वक्त से इसका खुशबू शुरू होता है, सुबह तक इसका खुशबू रहता है। किस टाइप की खुशबू? मतलब समझिए मोगरे जैसा ही, मोगरे जैसा ही इसका एक स्मेल होता है। और इसका दूसरा चीज़ ये है कि इसका स्मेल जो काफ़ी दूर तक फैलता है, मच्छर उच्छर को भगाने में काम करता है? नहीं, मच्छर में तो नहीं काम करता है, मतलब एक खुशनुमा माहौल बना देता। हाँ, लेकिन यहाँ समझ लीजिए यहाँ बाजू में आप रोड देखते हैं। हाँ, देख रहा हूँ। हाँ, लेकिन यहाँ पे ये यह पौधा है, रोड पे आप जा रहे हो तो पता आपको चल जाएगा कि यहाँ पे रात रानी लगा हुआ है। मतलब इसका 20-30 फीट तक आराम से खुशबू दे। हाँ, इसका खुशबू इतना स्प्रेड होता है। ये रात रानी का कमाल। ये रात